पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का पेंशन रत जन जागरूकता और सरकार का ध्यान आकर्षण किए जाने हेतु अन्य जनपदों से भ्रमण करते हुए वाराणसी जनपद में नमोघाट राजघाट पुल पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संयुक्त मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन के मंडल सचिव सुनील कुमार सिंह की अगवानी में पेंशन रथ से आए नेता कॉमरेड इंजीनियर जी एन सिंह, विष्णु तिवारी, एनडी द्विवेदी, अमरजीत मिश्रा का फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद नारे लिखी तख्तियों और नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में दोपहिया व चार पहिया वाहनों के साथ शहर में प्रवेश किया। वाहनों पर सवार कर्मचारियों ने जगह जगह रुक कर आम जन में पर्चे बांटे, जिस पर प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की गई थी। इसके साथ काफिला गोलगड्डा, चौकाघाट, अंद्रापुल, चौराहा, लड़तारा, मालगोदाम होते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन स्थित आरएमएस के पास आयोजित सभा में परिवर्तित हो गया, जिसमें कॉमरेड जीएन सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पुरानी पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है तथा देश के प्रमुख राजनीतिक दल आगामी चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करने की बात कह रहे हैं। इस अवसर पर दीपेंद्र श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडे, श्याम राज यादव, सुधांशु सिंह, दिनेश सिंह, राजकुमार, डीके सिंह, सुभाष शाह, रामचंद्र गुप्ता, यशोवर्धन त्रिपाठी, राजीव पांडे, राजीव कुमार सिंह, प्रवीण राय, आलोक भट्टाचार्य, शशिकांत, अरविंद दुबे, महेश त्रिपाठी, आलोक दुबे, अभिषेक, राजेश श्रीवास्तव, अवधेश पांडे, कौशल पाठक, अविनाश मौर्य, कन्हैया यादव, वीरेंद्र कुमार, अंजनी सिंह, अतुल श्रीवास्तव, प्रशांत मान सिंह आदि ने संबोधित किया। और आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने 16 तारीख को कानपुर से हरी झंडी दिखाकर इस पेंशन रथ को रवाना किया है। ये पेंशन रथ बुंदेलखंड होते हुए पूर्वांचल के कई जिलों में घूमने के बाद आज वाराणसी जनपद में राजघाट पर इसका प्रवेश हुआ है, जिसके बनारस से सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने इसका स्वागत अभिनंदन किया है और यहाँ पे पेंशन रथ आकर के इसका जो यहाँ पे लोगों ने संबोधन किया सभा के पश्चात। क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, मांग सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करिए।